बिना कैलकुलेटर के मल्टीप्लिकेशन, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड्स में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी धमाकेदार ट्रिक से लेके आई हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में 3 ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले ट्रिक जिसमें 100 से अबव वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ट्रिक 2 जो कि ट्रिक 1 के एडवांस लेवल है, और ट्रिक 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लियर इजी में। आइए देखते हैं ट्रिक 1 जिसमें 106 को 103 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 106 इंटू 103। सबसे पहले ये देखेंगे ये 100 से कितना बड़ा है, ये 6 नंबर बड़ा है, और 103 से 3 नंबर बड़ा है। इसके बाद में 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, ये 18 नोट कर लिया अपन ने। इसके बाद में या तो 106 में 3 ऐड कर दो या 103 में 6 ऐड कर दो, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा 109। तो ये ना आपका 106 इंटू 103 का मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे लगे दोस्तों आपको इजी ट्रिक? ये तो आपको समझाने के लिए बताया था इसलिए इतना टाइम लग गया। आइए जल्दी से करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 112 को 113 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखते हैं। 112 एंड 113, अब सेम प्रोसेस रहेगा। 100 से कितना नंबर बड़ा है, 12 नंबर, और ये 13 नंबर। इससे लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और वो भी कुछ ही सेकेंड्स में कैसे करेंगे, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, सबसे पहले वो देखना जिससे ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 12 इंटू 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है 156, ये 156 लिख दिया। इसके बाद में अपन को ये केवल 2 डिजिट से चाहिए होती है, तो अपन 2 डिजिट ले लेते हैं और ये जो 1 है कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके बाद में सेम प्रोसेस रहेगा, 112 में 13 ऐड करो या 113 में 12 ऐड करो। अगर मैं 112 में 13 ऐड कर रही हूँ तो अगर 125, ये लिख लिया मैंने 125, इसमें कैरी फॉरवर्ड करा था तो वो भी ऐड कर देंगे, प्लस 1 करा या 126, और ये नोट कर दिया। तो ये ना आपका 112 इंटू 113 का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे एंड होती है अपने ट्रिक 1। आइए देखते हैं ट्रिक 2 जिसमें 202 को 205 से मल्टीप्लाई करेंगे। 202 इंटू 205, सेम प्रोसेस रहेगा ट्रिक 1 की तरह। इसमें बस 200 से देखेंगे ये नंबर कितना बड़ा है, तो 200 से 2 नंबर बड़ा है, 2 लिख देंगे, और 205 से 5 नंबर बड़ा है, 5 लिख देंगे। इसके बाद में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10। उसके बाद या तो 202 से 5 ऐड करेंगे या 205 में 2 ऐड करेंगे, दोनों कैसे कर लो सेम रिजल्ट आएगा। 202 में 5 ऐड करते हैं तो आता है 207। उसके बाद में ये 200 का नंबर्स है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 207 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, 1 यहाँ लिखा 1 2 2 4, तो ये है आपके 202 इंटू 205 का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, इतना जल्दी और इतना इजी कैलकुलेशन। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल 2, ये आपको समझाने के लिए बताया था इसलिए इतना टाइम लग गया है। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हम 413 को 402 से मल्टीप्लाई करेंगे, 413 इंटू 402। अब इसमें ये देखेंगे ये नंबर 400 से कितना बड़ा है, तो 413 400 से 13 नंबर बड़ा है, 13 लिख देंगे, और 402 400 से 2 नंबर बड़ा है, 2 लिख देंगे। इसके बाद में 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 26। उसके बाद 413 में या तो 2 ऐड कर दो या 402 में 13 ऐड कर दो, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा 415। 415।
इसके बाद में 415 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 4 1 4 5 6 एंड 4 4 16, और इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे 1660। ये तो ये रहा आपके 413 इंटू 402 का मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे एंड होती है अपने ट्रिक नंबर 2। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 3, जिसमें 100 से छोटे नंबर और 100 से बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये वाली ट्रिक आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जिसमें 108 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि 108 100 से कितना नंबर बड़ा है, 8 नंबर, 8 लिखेंगे, और 97 100 से कितना नंबर छोटा है, 3 नंबर, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद में 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद में 108 को या तो 3 से माइनस कर दो या 97 में 8 प्लस कर दो, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो 108 में से 3 माइनस करना ज्यादा इजी है, तो 108 में से 3 माइनस करते हैं तो आता है 105 लिख लिया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अगर यहाँ प्लस साइन आता तो उसकी प्रोसेस हमने ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 में सीखी थी। अब 105 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आते 10,500, ये अपन ने लिख लिया। अब इसके बाद में 10,500 में से 24 माइनस करते हैं, 10 में से 4 गए तो आता है 6, 9 में से 2 गए तो आता है 7, ये कैरी दी थी तो ये 4 रह गया, 4 लिख लेंगे, 0 और 1। तो ये रही आपके 108 इंटू 97 की मल्टीप्लीकेशन। तो बताइए दोस्तों, ये आपको कैसे लग रही है इजी ट्रिक्स? अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी हमारे कुछ धमाकेदार ट्रिक्स। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।